दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग के क्षेत्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली निखत जरीन और वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम के बीच एक कंट्रोवर्सी के बारे में। बात है साल 2019 की, जब मैरी कॉम को रूस में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिना किसी ट्रायल के चैंपियनशिप के लिए भेजा जा रहा, जिसका निखत ने विरोध करते हुए उस समय के खेल मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा और ट्रायल कराने की मांग की। लेकिन किरेन रिजिजू ने चयन प्रक्रिया में दखल ना देने का हवाला देते हुए ट्रायल कराने से मना कर दिया। निखत के विरोध के बाद भी मैरी कॉम रूस में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने गई और कांस्य पदक अपने नाम किया। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई ने नया रूप तब ले लिया जब 2020 में चीन में होने वाले ओलंपिक से पहले दोनों का आमना सामना बॉक्सिंग रिंग में हुआ। इस फाइट में मैरी कॉम ने निखत को 9-1 से हरा दिया और मैच खत्म होने के बाद मैरी कॉम ने निखत जरीन से ना हैंडशेक किया और ना ही गले मिली। दोनों के बीच में चली आ रही इस लड़ाई का अंत साल 2020 में मई के महीने में हुआ, जब निखत जरीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो मैरी कॉम ने भी आगे बढ़कर उनको ट्वीट करके उनको इस जीत की शुभकामनाएं दी और निखत जरीन ने भी पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए बात कही।